वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही एक और ट्रेड जो इनफैक्ट थोड़ी सी हरकत दिखाना शुरू कर रहा है वो है डीएलएफ। ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है करीब 6% तक का, 1.5% की तेजी कुछ मिनट पहले यहां पर फिर हरकत देखने को मिली, लेकिन ये एक वॉलेटाइल ट्रेड रहा है आज दिन भर का। 399 पर खुला, फिर नीचे फिसला, अब 405 और 408 का डे हाई था उसकी तरफ बढ़ता हुआ। कावा साहब, डीएलएफ लग रहा है मुझे, डीएलएफ बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि स्टार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, जो वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए। और 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको सिर्फ करीब 399-400 का, 420 तक पॉसिबल है, एक दो दिन लग सकते हैं। तो डीएलएफ यस अप मूव ऑन। डीएलएफ आपकी स्क्रीन पे अप मूव ऑन है, और याद रखिएगा अभी सुबह भी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, एक तो अगर आप दो तीन चीज़ें हैं, हेडविंड्स भी हैं, टेलविंड्स भी हैं, और वो ये हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो पास ऑन भी हो रहे हैं। लेकिन माहेश्वरीश, आप दो डेवलपमेंट अगर आप बीते 10 दिन में देखें, वो है दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, एक तो सुपर टेक का इंस्टॉलमेंट होना, उसके बाद ATS, आई थिंक ATS वॉज अ सरप्राइज। आई मीन ATS की का नाम अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में बड़ा प्रतिष्ठित नाम था, उनके इंसॉल्वेंसी में जाना, आपको क्या लग रहा है? आई मीन दिल्ली में जो दो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं अब डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनके लिए कितना बड़ा माइलेज होगा ये इस मार्केट को कैप्चर करने का, जो स्पेस क्रिएट होगा ATS के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये दोनों जो बड़े लीडिंग डेवलपर्स थे, उनके ये सब चैलेंजेस आने के बाद में जो सबसे बड़ा इसमें बेनिफिशियरी रहेगा इनफैक्ट वो डीएलएफ ही रहने वाला है। और डीएलएफ के साथ में बेस्ट बेनिफिट ये है कि उनके पास में कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों का काफी बड़ा रेंट्री भी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज लेना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि एक रेपुटेड बिल्डर के साथ में ही जाया जाए, ना कि दूसरे बिल्डर्स के साथ में जहां पर ये सारे चैलेंजेस आते हो। तो डीएलएफ के लिए बिल्कुल एक अच्छा मौका है, और मेरा मानना है स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से 10% नीचे मिल रहा है, तो इस स्टॉक की री रेटिंग अगले एक साल में काफी होने वाली है। क्वार्टरली तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस साल में दिया है, और मेरा मानना है मार्च क्वार्टर में भी काफी अच्छे नतीजे